चाय खाना की कहानी। हेलो देयर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, आई हैवंट टॉक्ड टू यू गाइस। हम जा रहे हैं टूरिस्ट, हम सिमरन और मेरा दोस्त, तो मैंने कहा छोटी सी रीड बना लेते हैं, ठीक है? नो क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड, जस्ट एंजॉय एंड हैव अ मोमेंट विद मी। दरवाजा बंद किया, सीढ़ियों से नीचे उतरा तो देखा कामरान मेरा इंतजार कर रहा था। उससे मिला, वहाँ से हम गए बैंक की तरफ। बैंक से निकाले थोड़े पैसे, एटीएम से निकला तो मगरिब की अजानें हो रही थी। सो हमने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद जब मैं मस्जिद से निकला, अपने घड़ी पर टाइम देखा तो टाइम हो रहा था तकरीबन 7:00। वहाँ से हम रवाना हुआ हुए मेट्रो स्टेशन की तरफ। मेट्रो स्टेशन हमसे दूर ज्यादा था नहीं, सो हमें लगे 1-2 मिनट और हम वहाँ पहुंचे। अपने टिकट उठाए और अपनी मेट्रो का इंतजार किया। थोड़ा टाइम में मेट्रो भी आ गई। इस टाइम मगरिब का टाइम था तो इतने लोग मेट्रो में थे नहीं, पर हमें फिर भी बैठने की जगह नहीं मिली। पर एक स्टेशन के बाद हमें बैठने की जगह मिल गई और देखते ही देखते हम अपने स्टेशन पहुंच गए। मेट्रो से उतरे, वहाँ सामने सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों से नीचे उतरते ही हम स्टेशन से बाहर आए। मेरी पे नज़र पड़ी सेंट टोरस पे, विच वॉज नेक्स्ट टू मेट्रो स्टेशन। इतना प्यारा लग रहा था रात का व्यू, मैंने कभी पहले देखा नहीं था। सो इट वॉज सो इंटरेस्टिंग टू लुक एट। हम आगे गए और हमें मेन गेट से एंट्री नहीं दी गई, सो वी वेंट फ्रॉम द बैक गेट, वी वेंट इनसाइड एंड इट वॉज सो ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। और जब हम अंदर गए तो देखा तो अभी तक 14 अगस्त खुशियाँ मनाई जा रही हैं, विच इज़ गुड, बट हमारा उससे कुछ काम नहीं था। तो हम गए ऊपर दूसरे तीसरे फ्लोर के अराउंड, जहाँ पर हमारा काम था, आई मीन चायखाने की तरफ। वी वेंट इनसाइड, सैट डाउन, लुक आवर टाइम, मेन्यू देखा, ऑर्डर किया। और अभी हम खुद ही पूछ लेते कामरान से कि हमने क्या ऑर्डर किया। तो बताइए कामरान। तो ये चीज़ें हमने ऑर्डर की, पर जितना टाइम में ये ऑर्डर आएगा हम आपको बताते हैं वहाँ का व्यू। इतना अच्छा व्यू आ रहा था वहाँ से, एंड एज वेल एज द एनवायरनमेंट, बहुत अच्छी थी वहाँ पे एनवायरनमेंट, काफ़ी अच्छा लगा, द फीलिंग वाज सो ब्यूटीफुल। थोड़ा हम इंतजार करने के बाद हमारा ऑर्डर हमारे सामने प्रेजेंट किया गया, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। हमने सबसे पहले चूज़ किया कि हम आइसक्रीम खाएंगे। सो सबसे पहले आइसक्रीम क्यों? क्योंकि वो पिघल रही थी यार, ठीक है। आइसक्रीम एंड एज वेल एज चॉकलेट मोल्टन लावा केक खाने के बाद, उसके बाद हम कॉफ़ी की तरफ गए। कॉफ़ी मिक्स की कामरान ने, उसने कपों में डाली, ऊपर से दूध डाला, ऊपर से चीनी डाली, एंड एट द एंड इट वॉज सो अमेजिंग। उसके बाद गए हम एप्पल पाई की तरफ, जो कि पहले मैंने कभी ट्राई की नहीं थी। तो मैंने कहा कामरान तुम शुरू करो। उसने चम्मच उठाई और उसने शुरू करने की कोशिश की, पर चम्मच में एप्पल पाई आ ही नहीं रही थी, पर थोड़ी कोशिश करने के बाद आ गई, एंड इट वॉज डिलीशियस। सब कुछ खाने के बाद वी वर ओवरलोडेड, सो हमने पे किया और हम वहाँ से निकले। निकलते टाइम उनका इंटीरियर वॉज सो ब्यूटीफुल एज वेल, जस्ट हैव अ लुक। सो ऑन आर वे आउट वी पास बाय नाइकी स्टोर, सो मैं अंदर गया, जूता चेक किया एक, जो कि मुझे काफ़ी पसंद था, ठीक है, प्राइस दिखी, मैंने आराम से रखा और निकल आए वापस। नाइकी स्टोर से निकलने के बाद हम गए डायरेक्ट एग्जिट गेट की तरफ। वहाँ से निकलने के बाद हम अपने रास्ते में ही थे कि पीछे से इतनी प्यारी सी आवाज़ आई कि पलट, और जब मैं पलटा तो इतनी प्यारी सी गाड़ी खड़ी थी यार वहाँ पे। खैर क्या ही बताऊँ गाड़ी के बारे में, पर चाहे खाना के एक्सपीरियंस के बारे में बता सकता हूँ कि इट वॉज 10/10 मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, सब कुछ। इवन आप इन दो लड़कों की खुशी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा है, हम मेट्रो स्टेशन वापस गए, टिकट लिए क्योंकि हमें वापस भी तो आना था। वहाँ थोड़ा इंतज़ार किया, इतने में हमारी आ गई मेट्रो। काफ़ी रश थी वहाँ पे, कैसे कैसे करके हम अपने स्टेशन पहुँच गए। कामरान ने बाइक निकाला एंड ऑफ ही गो। मैंने सीढ़ियाँ अपने कमरे पहुँचा, एंड इट वॉज अ गुड डे।